नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं केले की सब्जी। केले की यह रेसिपी बहुत ही टेस्टी और लजीज बना है दोस्तों। इसका स्वाद बिल्कुल मछली जैसा है। आप भी अच्छी रेसिपी बनाएंगे जब आप मुझे लास्ट तक फॉलो करेंगे दोस्तों। तो आप हमारे वीडियो में इसी तरह से लास्ट तक बने रहिए, और नए हैं दोस्तों तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुंचे। जैसे वीडियो में दिखाई दे रहा है वैसे ही मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल। केले में देखिए इस तरह से चीरा लगा रही हूँ, और इससे क्या होगा कि केले बहुत ही आसानी तरह से इसके छिलके निकल जाते हैं केले में से। ये देखिए दूसरा ऐसे ही चीरा लगा रही हूँ, इस तरह से आप भी लगाइएगा। और ये देखिए निकल जा रहा है। आप स्टील का चक्कू यूज करिएगा, मैं लोहे का ही ली हूँ। लोहे के चक्कू से काला पड़ जाता है क्योंकि केले में बहुत आयरन रहता है, और इसीलिए देखिए मैं पानी में इसे काट रही हूँ इस तरह से। और इसमें हल्का हल्का सा बीज भी रहता है, आपको इतना ही मोटा पतला इसी तरह से काटना है। देख लीजिए ध्यान से, बिल्कुल इसी तरह से बाकी भी केले हम काट लेंगे। और ये देखिए पानी में से केले निकाल ली हूँ। अब इसमें हल्दी डाल रही हूँ 1/4 चम्मच, जरा सा नमक, क्योंकि हमें ग्रेवी में भी नमक डालना है। और यहाँ सब्जी मसाला राजेश ली हूँ 1/2 चम्मच, और इसे अच्छी तरह से खूब मिला देंगे ताकि सभी पीस में अच्छे से मिल जाए। अब यहाँ मसाले में 1 बड़ा सा प्याज, 1 गांठ लहसुन, हल्दी, अदरक और हरा मिर्च ली हूँ 5, और सरसों। इन सभी मसाले को पीस लेंगे। और यहाँ गैस जला के पैन रख दी हूँ, इसमें सरसों का तेल डाल रही हूँ। सरसों का तेल जब खूब अच्छे से गर्म हो जाए तो हम केले के पीस डाल देंगे। और जब एक तरफ से ब्राउन हो जाए तब इस तरह से पलट लेंगे, इससे बहुत ही आसानी से पलट जाएगा जब एक तरफ ब्राउन हो जाएगा। और इस तरह से निकाल लेंगे, दोनों तरफ ब्राउन हो गए। अब इसे निकाल लेती हूँ और इसी तरह से बाकी बचे हुए केले के पीस को फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे कढ़ाई रख दिए हैं गैस पे, और सरसों का तेल डाल रहे हैं। इसमें जीरा डाल दी हूँ, जीरा चटकने लगा है, और हींग डालेंगे, प्याज डाल देंगे। आप सरसों की जगह दूसरे भी ऑयल का जो भी खाते हैं वो यूज कर सकते हैं। और देखिए जब प्याज हल्का ब्राउन हो गया तो पीसे हुए मसाले जो मैंने दिखाए थे वो डाल दिए। अब यहाँ पे देखिए सब्जी मसाला मैं डाल रही हूँ राजेश, आप जो भी सब्जी मसाला खाते हैं उसे डाल सकते हैं। थोड़ा सा पानी डाल देंगे और फिर इसे भूनेंगे ताकि मसाले जले ना। और यहाँ 1 पैकेट एवरेस्ट मसाला डाल रही हूँ, थोड़ा सा पानी डाल दे रही हूँ, और फिर इसे भी अच्छी तरह से भूनेंगे मसाले को। इससे मसाले बिल्कुल जलेंगे नहीं और अच्छे से भून जाएंगे। और इसी समय नमक डाल देंगे, स्वाद अनुसार नमक डालना है। जितना हम ग्रेवी लें उसी हिसाब से हमें नमक डालना है, क्योंकि हम केले में भी नमक डाल दिए हैं। अब देखिए तेल छोड़ दिया है, इस समय हम पानी डाल देंगे। अपने ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल दीजिए, जैसा पतला मोटा जैसा ग्रेवी आपको चाहिए। अब देखिए उबाल आ गया है, और किनारे पे इस तरह से तेल जब छोड़ दे तभी हम केले के पीस को डालेंगे। और इस तरह से सब डाल दी हूँ केले के पीस, और इसे अच्छे से चला के गैस को मध्यम कर देंगे। अब इसे ढक देंगे,
10 मिनट मध्यम आंच में पकने के बाद देखिए तेल छोड़ दिया है और इस तरह से हो गया है। इतनी पतली ग्रेवी हमें चाहिए। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे ढक के कुछ देरी तक रख देंगे। कुछ देर बाद तक थाली हटा के दिखा रही हूँ, देखिए इस तरह से बना है। अब आप सबके लिए परोस रही हूँ। मेरी केले की सब्जी की रेसिपी आपको कैसे लगी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा दोस्तों प्लीज़। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुँचे और इसे रोटी चावल पूड़ी पराठा के साथ इंजॉय करिए पूरे फैमिली के साथ। मेहमान आए तो उनको भी खिलाइए, तारीफ आपको ज़रूर मिलेगी दोस्तों। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करना दोस्तों ना भूलिए, लाइक ज़रूर करिएगा। एक बाइट दोस्तों आप सबके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा दोस्तों।